महकमा पुलिस सिंध में काम करने वाले महकमों में से सबसे अहम महकमा। पुलिस का काम शहर के अंदर होने वाले क्राइम को कंट्रोल करना है। अगर हम पुलिस महकमे की बात करें तो पुलिस स्टेशन की सतह पर दो महकमे पुलिस में अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, एक ऑपरेशन और दूसरा इन्वेस्टिगेशन। ऑपरेशन का काम इलाके के अंदर मौजूद क्राइम को रोकना और मुलजिमान को पकड़ना होता है। FIR के दर्ज होने के बाद ऑपरेशन का काम खत्म हो जाता है और फिर काम शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का। हमारे यहाँ अमूमन लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है। इन्वेस्टिगेशन हुर्फे आम में तहकीकात और तफ्तीश को कहते हैं। कोई भी FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इस बात का फैसला करता है आया इस केस की हकीकत क्या है, क्या ये एक जाली FIR है या फिर इस FIR में कुछ हकीकत है। ये सब इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का काम है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी IO की बहुत पावर्स होती हैं और कभी कभी वो अपनी इन पावर्स का नाजायज इस्तेमाल करते हैं और इस पर निगरानी करने के लिए SSP और DIG साहिबान इन पर कड़ी नजर भी रखते हैं। पुलिस महकमे में जहां हमें करप्शन का रोना दिखाई देता है, वहीं हमने अपने इतने साल के तजुर्बे में कुछ बातें ऑब्जर्व की हैं। ये वो वाहिद महकमा है जिसमें रोजाना की बुनियादों पर एहतसाब किया जाता है और ये आला अफसरान खुद करते हैं, जो शायद हमारी आवाम को इतना मालूम नहीं। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ फैजुल्ला कोरेजो साहब ने अपने दफ्तर में एक टीम मीटिंग तलब की। इस मीटिंग का मकसद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास आए हुए केसेस को मुनसिफाना और शफाफ तरीके से हल करने की हिदायत जारी की गई और इस बात को साफ बावर कराया गया कि किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैजुल्ला कोरेजो साहब ने अपने दफ्तर में मौजूद थे कि कुछ कंप्लेंट्स इनको मौसूल हुई। उन्होंने फौरी तौर पे टीम टारगेट से राब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम शहरी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है। एक केस आया हुआ है मेरे पास, आप थोड़ी देर मेरे पास आ जाएं तो इसको जरा डिस्कस करते हैं, इस पर एक प्रोग्राम बनाना है। ओके ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट अपनी खामियां छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन SSP साहब का फोन इस बात का अंदिया था कि पुलिस में मौजूद आला अफसरान खुद ऐसी काली भेड़ों का सफाया करना चाहते हैं जो कि डिपार्टमेंट के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया शरी, आप आए और हमें अमूमन कंप्लेंट रिसीव होती हैं। दो टाइप की कंप्लेंट्स आती हैं, एक तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बुलाने के बाद लोगों को हरास करने के लिए अपने पास बिठा देते हैं और ये बताया जाता है कि आपके खिलाफ एविडेंस है और फलां मुल्ज़िम जो गिरफ्तार हुआ है वो ये चीज़ें बता रहा है आपके खिलाफ, और उनको बिठा दिया जाता है और फिर लाजमी ये पैसे लेने देने की शिकायत सामने आती है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तफ्तीश करता है तो मुख्तलिफ सीक्रेट्स जो होते हैं अक्यूज साइड के या कंप्लेनेंट साइड के, उसके नोटिस में आते हैं, जिसमें CDRs, उनके टेलीफोन नंबर्स, उसके अलावा उनका डिफरेंट मोबाइल डेटा, वीडियो पिक्चर्स की सूरत में वो सामने आता है और वो समटाइम्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मालाफाइडीज को यूज़ करते हैं। इस तरह की कंप्लेन है तो अभी हम आपको कंप्लेनेंट भी दे देते हैं। बात करके इल्म हुआ कि दो कंप्लेन SSP साहब को मौसूल हुई हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अपनी पावर्स का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और आवाम को बिला वजह तंग कर रहे थे। हमें ये टास्क दिया गया कि हम इन्हें रंगे हाथ आवाम को तंग करते हुए कैप्चर करें और हमने इस टास्क को तस्लीम किया। आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं, आप अपनी टेक्निकल तरीके से इसको रिकॉर्ड करें ताकि इनके खिलाफ बयान बनाए। इन्वेस्टिगेशन अफसर के पास ये अख्तियारात होते हैं कि वो किसी से भी सवालात कर सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि वो किसी को बिला वजह अपने पास बुलाए, एक एक हफ्ते बिठाए, उसे तंग करे। अगर उसके पास कोई सबूत है तो उस शख्स को गिरफ्तार करे, ना कि उसे तंग करे। दूसरा जो केस हमारे पास आया था वो था मोबाइल फ़ोन को चेक करने का। किसी के मोबाइल फ़ोन को चेक करने के बाद उससे बिला वजह के सवालात करना जिसका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं। सपोज उसके मोबाइल में कोई तस्वीरें, तो उन तस्वीरों पर उससे सवाल करना कि ये लड़की कौन है, वो लड़की कौन है, ये काम किसी भी इन्वेस्टिगेशन अफसर का नहीं होता। टीम टारगेट ने इन थानों का रुख करना शुरू किया। हमने इस शख्स को स्पाई कैमरे के हमरा इस थाने का रुख करवाया।
बाहर मौजूद हम सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। आप भी जरा इस स्पाई वीडियो को मुलाहिजा फरमाइए। सर आप मुझे रोना बुलाते हैं, सुबह बुलाते हैं, सामने भेजते हैं, जो भी बात है आप मुझसे कर रहे हैं, जो भी है मैं तो परेशान आ गया हूँ मामले से। मेरा इससे अलग केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, खामखा मुझे इसमें घसीटते हैं। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आप स्पाई वीडियो में मौजूद ये शख्स किस तरह अपनी इस पाक वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहा है। सर नाम लिया है, सर मेरा नाम है सर, सर मैं तो मैंने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी सर, मैं तो फर्स्ट टाइम थाने आया हूँ। अभी जब उठा के बंद करूँगा ना तो सबूत सारे बहुत चल कर आएंगे। सर ऐसा नहीं कह रहे हैं सर, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो मामला मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं है। इसे इस बात का बखूबी इल्म है कि इस शख्स का इस केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये अपनी इस पोस्ट का नाजायज फायदा उठा रहा है। सर मैं आपको देखा अभी कुछ और मजीद मत कर देता हूँ, मेरे साथ मजीद से जान कुछ नहीं भाई, तू कोई एहसान नहीं कर रहा, तुझे मैं इस केस से निकाल रहा हूँ, तेरे को तो मैं एहसान कर रहा हूँ, तुझे उसका फर्क नहीं कर रहा मैं। इसने शख्स से पैसों का मुतालबा किया और ना देने की सूरत में संगीन नतीज की धमकियां दी। अगर बंद करूंगा तो तुझे जमानत भी नहीं होने देगा, इतना पर्चा टाइट बना दूंगा तेरे साथ। और असल में मैं सर मेरे सर मैं फाइल कर रहा था, मैं नहीं कर सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत गरीब आदमी। 20,000 बहुत ज्यादा सर, जुर्म हो जाएगा सर जी, तो 20,000 का कोई रकम नहीं है, तुझे किस केस से बाहर करा सर? जगह चलना है मेरे पास जो भी है सर, 7,000 रुपये मैं आपको देता हूँ सर, जो और मैं कर लेंगे सर, प्लीज़ सर। तो काम नहीं कर रहा सर, प्लीज़ सर कर ले सर, मेरे साथ काउन कर ले, मैं बहुत परेशान हूँ। 20,000 15 करके सर। चल सर मैं सर मैं जो ना अभी आपको जो ना 10 का बंदोबस्त करके देता हूँ। यहाँ इस शख्स ने इसे पैसे देना था और वहाँ एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर हमने सवालात का सिलसिला शुरू करने का सोचा। टीम टारगेट इसके दफ्तर में जा पहुंची। बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठा हुआ यह शख्स पहले तो सोचने लगा कि शायद मीडिया इसे बिला वजह तंग करने आ गई है। सलाम अलैकुम जी, आप कौन भाई? ठीक, आप कौन? क्या आराम से जल्दी नहीं, आराम से। क्या नाम है आप? मेरा नाम आप हैं कौन? तारुफ तो कराएं पहले अपना। पहले इसने हमें कॉन्फिडेंस दिखाया और फिर ओवर कॉन्फिडेंट होने लगा। आपको ये इतना बड़ा माइक नहीं दिख रहा है कि क्या तारुफ कराऊं मैं आपको? हैं, आपको तारुफ नहीं दिख रहा है? एसएसपी आपके जो इन्वेस्टिगेशन साउथ है जी, जो लखोरे जो साहब जानते हैं उनको? जी हाँ जी, अफसर है हमारे सर, है ना, जानते हैं ना, उन्होंने भेजा है। कौन है ये? तो आए अपने कंप्लेन लेकर आए मेरे पास अपनी। इसने सामने बैठे हुए शख्स को एक कंप्लेनेंट जाहिर किया, लेकिन इसे इस बात का इल्म ना था कि ये शख्स कंप्लेनेंट तो था लेकिन एसएसपी साहब के सामने इसके खिलाफ कंप्लेनेंट था। अपनी कंप्लेंट लेकर? जी जी। क्या कंप्लेंट है? इनको इनके पड़ोसी जो ना तंग करते हैं इनको नाजायज, ना तो ये उनकी कंप्लेंट करने के लिए आए कि वो हमें नाजायज तंग करते हैं, तो लिहाजा जाके आप कहीं इनके पड़ोसी आप तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मसला है? मेरे साथ ये मसला था, ये मुझे झूठे इल्जाम में सर इन्होंने फंसा दिया एक, और मैं सुबह आता हूँ शाम में आता हूँ सर, ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और जो ना मुझसे डिमांड कर रहे हैं पैसों की सर। ये कौन से पैसे लिए मैंने तुमसे? क्या क्या बात कर रहे हो तुम? आपको एक बात बताऊँ वैसे मिस्टर जी, आपकी कंप्लेन आपके एसएसपी साहब को मिल चुकी थी और एसएसपी साहब ने यही चेक करने भेजा था, और आपने जो पैसे लिए ना इनसे वो भी हमें पता है। कौन से पैसे लिए सर? कोई पैसे वैसे नहीं लिए मैंने, 10,000 रुपए लिए सर, अभी उनकी जेब में ही है सर। जब इससे कहा गया कि इसकी ऊपर की जेब में पैसे मौजूद हैं तो पहले तो वो मुखर गया, बिला आखिर बड़ी मुश्किल से इसने पैसे अपनी जेब से निकाले और निकालने के बाद कहने लगा कि ये पैसे तो मेरे हैं। जेब में आपके पैसे निकाले? वो तो मेरे अपने पैसे हैं यार। निकाले ना पैसे, निकाले पैसे, बाहर निकाले आप यार, ये तो मेरे अपने पैसे हैं भाई। उसको कैसे पता कि आपकी जेब में 10,000 रुपए? ये देखिए जी, ये वही पैसे हैं। अच्छा चले ठीक है, ये वही पैसे ना, तो इन पैसों के जो नोटों के नंबर हैं वो मेरे पास कैसे हैं? सर आपके पास कैसे, मुझे क्या पता? इनके नोटों के नंबर मेरे पास कैसे हैं भाई, ये बता दो सर। आप चाहते क्या? आप
आप जाएं, मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा, पैसे दें मेरे और आप लोग जाएं। आपके पैसे नहीं है ये सर, ये मेरे पैसे हैं सर, ये आपके नहीं है, इनके नोटों के नंबर मेरे पास है और आप यहाँ पर बैठकर अपनी वर्दी को जो वर्दी के साथ कर रहे हैं ना वो आप गलत कर रहे हैं। आप यहाँ पे बुला के बेचारे बंदे को खामखा बुलाकर उसको जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं, उसको जहनी मरीज कर रहे हैं आप। लेकिन इस बेचारे को इस बात का इल्म ना था कि इसकी पूरी वीडियो बन चुकी है और अब झूठ बोलने का फायदा नहीं। इसका गुस्सा हम पे बढ़ता जा रहा था, बिला आखिर वो हमें धमकियां देता हुआ निकल गया। सर ये सरकारी दफ्तर है, ये हमारा दफ्तर है तो हमें भी अलाव है यहाँ पर आना और आपके एसएसपी ने भेजा है। सर इस तरह आप नहीं आ सकते, दफ्तर में आप इस तरह आगे सर मतलब ये तमाशा नहीं कर सकते, मैं आप बैठ के कुछ भी करते रहेंगे। आपने मुझसे डिमांड की थी पैसों की, मुझे आप जो है लेके जो उठा के आए उससे सिर्फ मैं बंद क्या कर देंगे सबके सामने, ऐसे कैसे बंद कर दोगे सर? ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसे कैसे बंद कर दोगे सर? ये इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर, ऐसे कैसे बंद कर दोगे तुम? तो सर मेरी वर्दी पे इल्जाम लगा रहा है तो मैं इसको बंद नहीं करूंगा सर। ये और जो तुम्हारे ये तुमने पैसे लिए इससे कुछ नहीं सर, ये मेरे तो अपने पैसे हैं। नहीं तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये पैसे आपके 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 पैसे हैं? भाई मैं आपको जवाब दे रही हूँ, मैं आपको कोई जवाब दे रही हूँ, मैं तो मैं कभी नहीं रहा, मुझे जवाब दें, आपके अफसर ने मुझे भेजा है। हाँ तो हम बात कर लेंगे अपने अफसर से, आपको मैं कोई जवाब दे रही हूँ। आप यही खड़े ना, आप कहाँ जा रहे हैं? आप खड़े रहे सर, आप नहीं आप रुक जाए ना, क्या हुआ? आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया भाई? पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सी कुर्बानियां हैं जो उन्होंने अपनी जान पर खेल के अवाम के लिए दी, लेकिन महज चंद काली भेड़ों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को गलत कहना पूरे डिपार्टमेंट के साथ एग्जैक्टली। अब बारी थी कि दूसरे थाने का रुख किया जाए। इस बार हमने इस कंप्लेनेंट के साथ अपने एक नुमाइंदे को भेजा क्योंकि वो कंप्लेनेंट बात करते हुए काफी डर रहा था। हमारा नुमाइंदा कंप्लेनेंट के हमरा एसआईओ के पास जा पहुंचा। अब जरा आप मौसूफ की गुफ्तगु मुलाहिजा फरमाइए। सर ये आ रहा है आपके पास काफ़ी दिन से, चक्कर लगा रहा है, इसका मोबाइल भी आपके पास है और मोबाइल ऑन हो रहा है, क्या मसला क्या है इनका? इसको तो हमने किसी और केस में बुलाया था, इसके ऊपर तो कोई और केस बन रहा है, इसके मोबाइल में क्या क्या चीजें निकली हैं आपको पता है? किसी और केस के सिलसिले में इसने शख्स को बुलाया और फिर इसके मोबाइल फोन को बिला वजह चेक किया जबकि केस का इस बात से कोई ताल्लुक ना था। सर मोबाइल तो उसका, उसमें कोई भी चीजें निकले वो उसका मस्ता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है ये मोबाइल से, लड़कियों की तस्वीरें उसके अंदर, लड़कियों के कॉन्टेक्ट नंबर है। सर वो तो उसका अपना मसला है ना, वो अपना मसला है जो भी हो, आपने तो मोबाइल किसी और केस में लिया था उसका, वो भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर मोबाइल फोन में किसी लड़की की तस्वीर मौजूद है तो इसका हरगिज मकसद ये नहीं कि वो उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। बिला वजह की बात को इशू बनाकर इसे तंग करना और अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाना, तो ये तो कहना है उसका, वो उसका मसला है, उसका मोबाइल हो या वो कुछ भी करे उसके अंदर आपके पास कोई कंप्लेंट थोड़ी आई है उसकी। अच्छा ये बता, अगर इसी मोबाइल में तेरी तस्वीर तो फिर क्या करेगा तू? ये क्या करेगा बता, तू क्या करेगा? ये तो सर ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों की माँ बहनों को तंग कर रहा है। अरे सर वो परेशान हो रहा है वैसे ही, इतने दिनों से ना काम पे गया है ना घर का है ना अभी, तो ये ऐसा परेशान हो गया, ये ऐसा फिट हो गया कि तुम देखना जिंदगी भर, हमें हमारा काम करने दो, हमें हमारा काम नहीं सिखाओ। सर आप अब देख लें सर, वो भी परेशान है बेचारा, चक्कर लगा रहा है यहाँ के, कुछ कर लें जो हम भी परेशान है, हमारे पास भी पुराना मोबाइल है, नया मोबाइल दिखा दो। इस शख्स की गुफ्तगू थाने से बाहर बैठे हुए सुन रहे थे। सर 5,000 रुपये ले लें, गरीब आदमी है, कर लें खत्म करें यार, क्यों उसको परेशान करके रखता हुआ? लड़कियों को तंग करता है फोन पे, और तू ज्यादा कोई उसका तेरे को उसको दोनों को भी फिट कर दूंगा मैं आराम से, समझा? बिल्कुल हल्का होकर बैठा मिट्टू नल की कर, इसकी जान छुड़ानी है इसको, फिट कर दूंगी मैं, जल्दी बता। सर 5,000 रुपये दे देते हैं, खत्म करें, मोबाइल वोबाइल दें इसका, खत्म करा दें, बस खत्म करें सर। सर अब देख लें, अब इसका मोबाइल वोबाइल दे दीजिए, चल मैं इसका मोबाइल अभी दे देता हूँ, देखो हाँ क्लियर करके, ठीक है। जब इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे से पैसे तलब किए वैसे ही हम दफ्तर में जा पहुंचे। कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से ठीक है जी? ठीक हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं नहीं, बोले आप लोग क्यों आए हैं? खैरियत है? कोई काम है? क्या है, क्या मसला है? जब इससे सवालात का सिलसिला शुरू किया तो इसके पास हमारी बात का जवाब ना था, सिवाय इसके कि इस शख्स के मोबाइल फोन में तस्वीरें हैं और इसकी कंप्लेन आई है। आपके एक एसएसपी हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैजुल्लाह खोरे, जो आप जानते हैं? जी 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 जी। उन्होंने भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कौन है ये लोग? ये वो ऐसी वो एक मसला था इनका छोटा सा। अच्छा। हाँ, इनका मसला चल रहा था, वो मसला मैंने सॉल्व करा दिया। आप लोग जाएं, आप लोग जाएं जाएं आप लोग। अच्छा, क्या मसला कह रहा, मुझे बताएंगे आप जरा इनका? क्या कर रहे थे ये? क्या तंग कर रहे थे किसी को, या आप तंग कर रहे थे इन्हें? क्या मसला था? नहीं नहीं कोई नहीं, ये मोबाइल पे जो है ना, ये थोड़ा वो तस्वीरें वस्वीरें थी, ब्लैकमेलिंग करता था लड़कियों लड़कियों को ना। अच्छा, ब्लैकमेल। हाँ, तो ये आए थे बोलने के वो मोबाइल वोबाइल हमारा दे दें। तो ब्लैकमेल कोई किसी को करता है तो आपके पास कंप्लेन कैसे आई? आप तो इन्वेस्टिगेशन वाले, क्या इसकी FIR कटी हुई है? जब हमने इससे टेक्निकल सवाल किए तो जवाब की जगह आए बाएं शाएं की सदाएं आने लगी। आप मुझे ये बताएं ना, क्या इसकी FIR कटी? क्योंकि आप तो इन्वेस्टिगेशन वाले, आपके पास तो कंप्लेन आ नहीं सकती। ठीक है, कंप्लेन आएगी ऑपरेशन के बाद, देन FIR कटेगी, देन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इतना तो मुझे भी पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पे जो आप बोल रहे हैं कि इसकी कंप्लेन आई, तो आपके पास कंप्लेन तो आ नहीं सकती, इस पे FIR कटी हुई है? नहीं, ये किसी और मामले में आया था हमारे पास। अच्छा। तो मैंने इसका मोबाइल जब चेक किया तो पता चला कि ये तो ब्लैकमेल करता है लड़कियों को, और बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। आपको किस तरह पता चला कि ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता है? उसमें किसी ने आपको इन राइटिंग कंप्लेन दी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो जब आपको इन राइटिंग कंप्लेन नहीं दी तो फिर ये कैसे ब्लैकमेल? इस पे कोई FIR नॉमिनेट, किसी FIR में नॉमिनेट है? नहीं, FIR में नॉमिनेट नहीं है, मैंने बताया ना, किसी और मसले में आया था। जिस मसले में आया उसके बाद मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये जो उसका मोबाइल आ गया, वो कंप्लेन आप जो अभी कह रहे हैं कि जी ये ब्लैकमेल कर रहा है, उसका सबूत क्या है? सर आप बताएं, आप किस काम से आए थे? इनको छोड़ो ना, आप अपना काम करें और जाएं यहाँ से। नंबर है, नंबर मेरे मोबाइल में तो 1500 लड़कियों के नंबर है, तो क्या मैं एक लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा हूँ? हम चेक करके आपको तफसील बता देंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, पैसे ऐसे की तो बैठे हैं, सामने पूछ लें, पैसों की तो बात नहीं तुम लोगों से कोई है? दोबारा बोले, पैसों की तो बात नहीं हुई इनसे कोई भी हमारी, कोई बात? हाँ भाई बताएं जरा। इन्होंने पहले मोबाइल मांगा था, बोला मोबाइल हमारे को देखो, कोई सही मोबाइल था, अच्छा सा। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई, उन्हें बोला गरीब, मैंने बोला तुमको, बोला 5000 रुपये, मैंने कहा इनको आपको दिया। आप मोबाइल मांग रहे हैं, बोल लो यार, आप मोबाइल मांग रहे हैं, मोबाइल के मतलब मोबाइल के बदले मोबाइल, और क्या कहते हैं, पैसे चाहिए आपको ना? वो मौसूफ जेब से पैसे निकालने को तैयार थे, हाँ, लेकिन बात बात पर हमारे नुमाइंदे पर आंखें जरूर निकाल रहे थे। हमने अपना काम पूरा किया और वहां से वापस आ गए। अरे बकवास कर रहे हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास तुमने पैसे दिए? आंखें नहीं दिखाए, ये डरेगा नहीं आप सब, अब डरेगा नहीं आप सब। भाई हम डरा नहीं रहे हैं, हम इनसे बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई पैसे ऐसे नहीं दिए हैं। आपकी ऊपर वाली जेब में पैसे हैं? कोई पैसे ऐसे नहीं है, झूठ नहीं, मेरे पास कोई पैसे ऐसे नहीं है भाई। चेक करा देना भाई, कोई पैसे नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, बकवास। आप किसी भी रोड पे चलते हुए बंदे की बात कर रहे हो, मैं यहाँ वर्दी में बैठा हूँ यार, आप मेरी तो रिस्पेक्ट करो। आपकी मैं वर्दी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपकी नहीं कर रहा। अब आप जा, मैंने नहीं लिए कोई पैसे। चले अब आप पैसे रख लें, आपसे फिर आपके SSP साहब के साथ मुलाकात होगी, फैजुल्लाह खोरे साहब के दफ्तर में। आपको तो कोई डर है नहीं, आप तो क्लियर है ना? क्लियर है आप? अब बारी थी SSP इन्वेस्टिगेशन फैजुल्लाह खोरेजे साहब के एक्शन। उनके पास जो शिकायत मौसूल हुई थी वो 100% सही थी। SSP साहब ने बगौर इन वीडियोस का जायजा लिया। वो इस बात को जानना चाहते थे कि आया जो कंप्लेन इनके पास आई थी, क्या वो सच है या फिर झूठ। और अब इनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। SSP साहब ने फौरन इन लोगों को दफ्तर में तलब किया। दफ्तर के बाहर मौजूद इन लोगों के चेहरों पर खौफ हमें साफ दिखाई दे रहा था। अब SSP साहब के सामने सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो इन्होंने अपने अफसर के आगे झूठ बोलना शुरू किया कि इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं, इन्हें तो सिर्फ फंसाया जा रहा है। उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हाँ जी आइयो साहब, आप इसको जानते हैं? जी सर। कौन है ये? सर हमने एक बंदा मोबाइल वाला पकड़ा था चोरी, तो ये उनके साथ ही मिले हुए हैं सर। मिले हुए? जी सर। किसने बताया आपको कि ये उससे मिला हुआ है? सर उससे नाम दिया था इनका। सर सर नाम दिया था? जी सर। तो आपने इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? सर हम चाह रहे थे पूरी टीम को इकट्ठा हम अरेस्ट करें सर, इनके साथ और लोग भी मिले हैं, तो रोजाना मैं इनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनसे कुछ सवाल करता हूँ सर।
तो आप सुबह बुलाते हैं, शाम को उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे दिन बुलाते हैं, फिर कर देते हैं, ये कब आपके पास एविडेंस आएगा और ये कब तक आप इसको चलाते रहेंगे? सर हम अपने तरीके से कुछ मालूम कर रहे हैं इनसे, तो ये थोड़ा बहुत तो बताया, अभी पूरा मुंह नहीं खोला इन्होंने, तो इसलिए उनको रोज बता रहे हैं। आप रोज इससे कोई ना कोई डिमांड कर रहे हैं, कभी ये मोबाइल फोन लेके आ रहा है, कभी ये पैसे लेके आ रहा है, कभी क्या, आपको पता है ये कल सुबह मेरे पास भी आ गया था। सर पैसे तो नहीं लिए सर हमने। तो ये जो चार चीज़ें ये बता रहा है और आपको जो मैंने टीम भेजी है, आपको इसका इलम नहीं, आपको नहीं बताया इन्होंने, रिकवर नहीं किए पैसे आपसे? नहीं सर, ये बताया इन्होंने रिकॉर्डिंग की है आपकी, जो आज आपने इनसे पैसे लिए? नहीं सर, ये तो बदमाशी कर रहे थे सर, मीडिया वाले ये तो अपनी कैमरे का जोर दिखा रहे थे सर हमें। वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप इससे चार दिन से पैसे ले रहे हैं वो किस खाते में ले रहे हैं? सर पैसे तो नहीं लिए सर हमने, मैं तो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इनसे। सर इनका पूरा ग्रुप है सर, इनके साथ 10 लड़के और भी हैं जो साथ शामिल हो गए, ये लोगों को रोकते और छीनते हैं मोबाइल वगैरह। सर वो तो पैसे आपने कहाँ लिए हैं सर मुझसे? कोई पैसे नहीं लिए आपने मुझसे? आपके पास से रिकवर हुए? नहीं सर, वो तो मेरे अपने पैसे थे सर। आपने जब इसको बुलाया था पे, आप रोज बुलाते रहे, आपने एंट्री रखी है रोज नाम से पैसे? सर वो तो प्राइवेट तौर पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ना सर, लीगल काम नहीं है। फिर एसएसपी साहब ने इस वीडियो को दिखाने को कहा, बस वीडियो का देखना था और मौसूफ के सारे अल्फाज खत्म हो गए। मुझे एक बात बताइएगा कि पूरी आगे तक लेके जाऊंगी ये रोक दो। पहले आप तो देख ही चुके हैं। आप बताओ तुम्हें क्या सजा दें? सर तुम्हें जेल जाना है या तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, आप क्या चाहते हैं? सर माफ कर दे सर। एसएसपी साहब ने फौरी तौर पर इसे मौतल करके सलाखों के पीछे का चेहरा दिखाया। फिर साहब इसको आप इमीडिएटली सस्पेंड करें, इमीडिएट सस्पेंड करें और उसको हेडक्वार्टर भिजवाएं ताकि ये लोगों की इससे जान छूटे। सर हमारे जैसे लोग जो है सबके लिए खराबी करते हैं, इतने अच्छे लोग काम कर रहे हैं, सबकी बदनामी होती है एक बंदे की वजह से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब बारी थी दूसरे शख्स को सामने लाने की। जब इसे तलब किया गया तो इसने भी आकर झूठ का सहारा लिया और इसने अपने आप को मासूम और मजलूम साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल चुका था कि इनके आला अफसरान खुद इन चीजों के खिलाफ हैं जो वो कर रहे थे। आप जानते हैं इनको, इन साहब को? जी सर, इनके खिलाफ कंप्लेन थी, आए थे मेरे पास। क्या कंप्लेन है इनके खिलाफ? सर इनके खिलाफ मोबाइल कुछ ये ब्लैकमेल वगैरह कर रहे थे, कुछ ऐसा कुछ सिलसिला था। तो इनकी मोबाइल फोन आपने क्यों कब्जे में रखा हुआ है? सर मोबाइल फोन से रिकॉर्ड पता चल रहा था इनका कि किस किस को क्या क्या कर रहे थे, तो पूरे रिकॉर्ड हम उसमें से निकाल लेते। ठीक है, तो फिर वो मोबाइल जो है उसमें से इसकी सारी फैमिली को और इसके दोस्तों को थ्रेट्स क्यों आ रही है? सर हमारी तरफ से तो नहीं आ रहे होंगे, हम तो चेक करके, हम बस चेक कर रहे थे और इनका ग्रुप वगैरह कुछ था तो उसको चेक कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं। आपकी जिम्मेदारी है ना कि जब आप इन्वेस्टिगेशन में कोई इंडिपेंडेंट आदमी या बेगुनाह आदमी आ जाता है तो उसको हरास ना करें, उसको थ्रेट ना करें। आप उसको ना सिर्फ आपने उसका मोबाइल फ़ोन अपने पास रखा हुआ है, वो मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है, वो तमाम कॉन्टैक्ट्स को आप थ्रेट कर रहे हैं और इसको भी आपने कहा हुआ है कि पैसे नहीं दोगे तो कल मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा। नहीं सर, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने ऐसी बात कोई नहीं की इनसे, पैसों वैसों की तो कोई बात ही नहीं इनसे। इंस्पेक्टर साहब ये बात बिल्कुल गलत है और ये कानून के खिलाफ है। आपका काम है लोगों की हिफाजत करना और इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करना। इसका मकसद ये नहीं कि आपके पास अगर उनका कोई राज आ जाता है तो आप उसको मिसयूज करें, आपको थ्रेट करें और ऊपर से तुम उससे झूठ बोल रहे हो। आप ना सिर्फ थ्रेट किए हैं और उसके तमाम मैसेजेस इनके पास हैं, दिखाएं जरा शरीफ साहब। ये आप ही हैं, अब पूरी वीडियो देखनी है या आप समझ गए? जी सर पूरी वीडियो देखनी है आपको। डॉक्टर साहब इसको आप इमीडिएटली सस्पेंड करें और इसको इमीडिएटली लॉकअप करें और जो ये कंप्लेनेंट है अगर ये अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी करें। सर, जा सकते सर। अगर हम वाकई इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो हमें पुलिस का साथ देना होगा। पुलिस में मौजूद तमाम लोग ऐसे नहीं होते, ईमानदार, दयानतदार और फर्ज शनास लोग इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। पुलिस में मौजूद ऐसे बहुत से आला अफसरान हैं जिन्होंने खुद करप्शन के खात्मे के खिलाफ आवाज उठाई। अगर आपके साथ कोई नाजायज कर रहा हो तो आप इसकी शिकायत आला अफसरान को जरूर करें, क्योंकि आला अफसरान खुद इन तमाम चीजों के खिलाफ होते हैं और हमें अपनी पुलिस में मौजूद ऐसे आला अफसरान पर फख्र है। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद मुश्ताक है और एसआईओ साहिल
थाने का इंचार्ज हूँ। इन्वेस्टिगेशन का रोल जो सा है, सबसे पहले जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद मौके पर पहुँचना पड़ता है, जहाँ पर ऑफेंस होता है वहाँ पर जाके शहादतें कलेक्ट की जाती हैं और कानूनी कार्रवाई जो सी जब एक कार्रवाई की जाती है। इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस में इसलिए अहम है ताकि उस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से जो उसका असल मुलजिम है उसको पकड़ा जा सके और जिस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, जो उसका विक्टिम है, उसको इंसाफ मुहैया हो सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ अज़ुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं और अभी आपने पूरा प्रोग्राम भी देखा कि किस तरह खुद फैज़ भाई ने, जो अगर अपने डिपार्टमेंट में कोई ऐसे लोग थे तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की। फैज़ भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पुलिस में इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि 65% to 70% रोल प्ले करता है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इन्वेस्टिगेशन का इतना पता नहीं है। हमें बताइएगा कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क है। देखिए जी, FIR जब दर्ज होगी, जिसको हम 154 की रिपोर्ट कहते हैं, जब FIR दर्ज होगी तो उसके आगे जो पुलिस एक्शन होता है उसको तफ्तीश कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। FIR के बाद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात किया जाता है मौकमे की तरफ से, तो वो कंप्लेनेंट से बात करता है, उसका एविडेंस लेता है, मौके पे जाता है, सारे शवाहद जो उसको नज़र आते हैं वो जमा करता है, फॉरेंसिक एविडेंस लेता है और 14 दिन से 17 दिन तक के अंदर वो अपनी तफ्तीश कम्प्लीट करके उसकी एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है, एक चालान बनाता है, उसका एक कंक्लूजन बनाता है और वो उसको कोर्ट में जमा करता है और कोर्ट उसी के ऊपर सजा देती है और ट्रायल चलाती है। अगर कोई हम पे गलत FIR करा दे या किसी पर FIR हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? पहला बात जो सामने आती है, अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया, आप किसी केस में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो उसको सबसे पहले पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होना चाहिए, IO के पास पेश होना चाहिए। सीनियर अगर IO पे भरोसा नहीं है तो उसके DSP के पास पेश होना चाहिए, SSP के पास पेश होना चाहिए कि जनाब ये हमारे ऊपर FIR गलत है। और मैं समझता हूँ कि 99% केसेस में आपको रिलीफ मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि जो कंप्लेंट जो हमारे खिलाफ दायर की है वो इस नौयत की है कि शायद पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, तो सेकंड फेज के अंदर आपको कोर्ट में रुजू करके अपने बेल करा लेने चाहिए ताकि पुलिस आपको गिरफ्तार ना करे। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि बेल होने के बावजूद आपको पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा और अपना मौकफ पेश करना पड़ेगा। अभी जो सिचुएशन हुई जिसमें अभी आपने कार्रवाई की, क्या रीज़न होता है आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि जी किसी का मोबाइल रख लिया तो किसी को हिरास किया जा रहा है या बिठाया जा रहा है लंबा लंबा, तो पुलिस में जो इस तरह की ब्लैक शीप्स हैं इसकी अमूमन वजह आप क्या समझते हैं, किस वजह से ये इस तरह की एलिमेंट आते हैं और किस नहज पर इंसान को लिया जाता है कि वो पैसे देने मजबूर हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। FIR के बाद वो SP से भी बात करता है, अपनी कमांड से भी बात करता है, कंप्लेनेंट से भी बात करता है, बेल कराने के बाद अक्यूज साइड आती है उससे भी बात करता है, तो उस प्रोसेस के अंदर एक उसका राइट भी है कि वो किसी को 160 का नोटिस लेके बुला भी सकता है, इंट्रोगेट भी कर सकता है। कोर्ट्स ने कभी भी इसके 160 के पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर IO किसी से पूछ नहीं कर सकता तो वो तफ्तीश कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर आदमी कहे जी मैं IO के पास नहीं जाऊँगा, तफ्तीश के पास नहीं जाऊँगा, कोर्ट भी यही आर्डर करती है कि बिल कराने के बाद आप IO के पास जाएं। उसमें बाज़ोकात वो उस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए इंफॉर्मेशन को छुपाते हुए किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, ये रिपोर्ट इस तरह आती है किसी को ब्लैकमेल किया या किसी को फेवर दी चलान में कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहा है, ये आदमी तुम्हें इम्प्लीकेट कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें चार्जशीट से निकाल रहा हूँ, तुम्हें चलान नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की फेवर और डिसफेवर के दरमियान इस गैप के अंदर उसके पास इतनी डिस्क्रिशन है कि वो फायदा उठाता है और फिर इस तरह की शिकायतें सामने आती है। फैज़ भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी IO SIOs काम कर रहे हैं और हमारी आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, हम सारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं और मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं। एक आधा आदमी अगर ख़राब है तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है, एज अ पुलिस ऑफिसर मेरी भी जिम्मेदारी है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। रिश्वत देना भी जुर्म है, रिश्वत लेना भी जुर्म है। देने वाला देगा नहीं तो लेने वाला कहाँ से लेगा? तो हम सब बराबर हैं। अगर अच्छा, इवन अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम उसको देख रहे हैं कि एक चीज़ हो रही है, हम नहीं रोकते, तो हम भी उसमें कसूरवार हैं। तो ये कलेक्टिव काम है सोसाइटी का। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मैंने देखे हैं, बहुत ही खुदा तरस भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक आधा बंदा हमेशा ख़राब होता है। उस ख़राब की वजह से पुलिस के डिपार्टमेंट को बुरा ना समझा जाए, ना समझा जाए, क्योंकि पुलिस भी सोसाइटी के अंदर से ही है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम को देख के हरगिज़ ये तासर ना लिया जाए कि पुलिस में मौजूद तमाम लोग करप्ट हैं, ये डिपार्टमेंट करप्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पुलिस में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं
जो अपनी जान का नजराना देकर अवाम की खिदमत करते हैं, और ऐसे लोगों पे हमें फख्र है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अवाम की आगाही के लिए बनाया गया कि अगर आपको दौरान इन्वेस्टिगेशन कोई भी नाजायज तंग कर रहा हो तो आप उसकी शिकायत उनके आला अफसरान को दर्ज करवा सकते हैं, और यही तरीका है सिस्टम में बदलाव लाने। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का समझना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बांध।